मुझे आपकी तलाशी लेनी है। लीजिए मैडम, लीजिए लीजिए, तलाशी लीजिए आप। ये कैसी तलाशी ली जा रही है भाई? अच्छा, यार छत बहुत अच्छी थी। एक मन चला लड़का उसको देखता था, वो लड़की नकाब में होती थी, तो उस नकाब को देखकर लड़का कहता था कि ऐ पर्दा नशी पर्दा उठा, मेरी मोहब्बत कुमल कर जलवा दिखा। लड़की नकार कर चली जाती थी, कोई जवाब नहीं देती थी, लड़का बड़ा अफसोस रहता था, हर रोज लड़की को देखता था, यही जुमला कैसा था, ऐ पर्दा नशी पर्दा उठा, मेरी मोहब्बत कुमल कर जलवा दिखा, अगर तूने जलवा नहीं दिखाया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। चौथे रोज जब लड़की गली से गुजरी, वो मन चला लड़का उसको नहीं दिखा, लड़की को बड़ा अफसोस हुआ, लोगों से पूछा कहाँ है, तो लोगों ने बताया बेटी उसने तो तुम्हारे गम में खुदकुशी कर ली। तो लड़की उसकी कब्र पर गई, जाकर कहने लगी लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। एक वो ध्रुव राठी बाहर से उठकर क्या गया, जिसको इंडिया का ई भी नहीं पता होगा। इंडिया का ई ई नहीं भाई साहब, आई से शुरू होता है इंडिया। इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? इसमें बोलना क्या, मोदी है, मोदी रहेगा। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अच्छा मोदी होगा, आप बताइए। मेरे हिसाब से मेरी एक्स। अरे भाई साहब, देश चलाने की बात है, मजाक कर रहे हो आप? मजाक की क्या बात है, इसमें जो बंदी 10 बंदे चला सकती है वो देश नहीं चला सकती क्या? ये बड़ी अच्छी बात है। सहारनपुर में गिरी बर्फ, अरे गाइस बहुत ही तेज धूप है, घर जाके आराम करेंगे, चक्कर आ रहा है। क्या हुआ, सब कंप्लीट है सर, जा रहे घर, तबियत सही है। तो गाइस डेली का आना जाना रहता है मेरा यहीं से, सब जानने भी लगे हैं, सब कंप्लीट रहता ही है, कोई दिक्कत नहीं। अरे तुझे रुकना तो चाहिए था, मार के जेल जाना पड़ा 14। रुकना तो चाहिए था, वो रोक रहा है पुलिस वाला, रूप में वो भी खड़ा है। मैं बाबा टिल्लू, टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू। मारे युवराज सा चक्का बाल हो गया हक्का बक्का, बेलम बेलम मचा दी है, दे बल्ला की चोट बलम। भाई इसने सबको चाय पिला ली, लेकिन इसके बर्तन नहीं साफ हुए। Yo no soy celosa, solamente cuido lo que mío y lo que mío no se toca. Solo es una amiga, no se toca. तेरी माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगे। तो जिन बच्चों ने मेरा सेट्स वाला वीडियो देखा है, जो कि आपका चैप्टर 1 था, मुझे उम्मीद है कि उनके सेट्स के कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। जिन्होंने नहीं देखा है, ऊपर लिंक दिख रहा होगा आपको, सेट्स की वीडियो देख लो, क्योंकि अब आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, हर जगह मैं सेट्स के साथ कंपेयर करती रहूंगी। और मुझे कपड़े धोने भी नहीं आते, वॉशिंग मशीन ले दूंगा, और बर्तन धोने भी नहीं आते, काम वाली रखवा दूंगा, और शादी के बाद मैं इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगी, माँ भी छोड़ दूंगी। अच्छा जी, मुंह देख पहले अपना। चुप रहूं दिल में मेरे, आज क्या है, क्या है? गो, गो। चार जून को रिजल्ट आएगा, मोदी जी उस दिन क्या कर रहे होंगे? चार जून को सबसे पहले धौरव रफी का गांड मारेंगे, उसके बाद कुछ देखा जाएगा। मैं इतनी गंभीर बात कर रहा हूँ और आपने बीच में हंसना शुरू कर दिया, कैसी लड़की है कमोजी? तुम्हें कैसे लगती? ये क्या है, ये क्या है, कहाँ से, क्यों? भाई किसी भाई ने कमेंट किया मेरी बीवी के बारे में, ऐसा नहीं करो भाई, आपका हाथ जोड़ता हूँ, किसी की बीवी के बारे में नहीं बोलो भाई, बीवी तो लक्ष्मी होती है, किसी की बीवी हो, किसी की बहन हो, किसी माँ हो, ऐसा नहीं करो भाई, आपका हाथ जोड़ता हूँ, बीवी को क्यों लक्ष्मी चला रहे? ठीक है,
देख 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 कैसा खुश हो रहा साले नहीं मानेगा एक शेवपुरी देना शेवपुरी चाहिए आपको हाँ कैसा रहेगा तीखा बिल्कुल नहीं तीखा बिल्कुल नहीं चाहिए नहीं भैया ठीक है नुस्ता पैसा भैया तीखा बिल्कुल नहीं बोला मैंने तीखा नहीं चाहिए आपको नहीं पक्का क्या मोदी जी वर्जिन है वर्जिन है क्या जो मोदी जी की वर्जिनिटी है ये कभी टूटेगी टूटनी तो नहीं चाहिए बहन के लोड़े तुम्हें क्या मतलब है वो वर्जिन है नहीं है अगर मोदी जी की वर्जिनिटी टूट जाती है तहलका मच जाएगा क्या ममता बनर्जी मोदी जी की वर्जिनिटी तोड़ सकती है संभव नहीं है सोनिया गांधी भाई उन अंकल को पता भी नहीं है वर्जिनिटी होती क्या तोड़ सकती है तो अगर मोदी जी को अपनी वर्जिनिटी तोड़वानी है तो सोनिया गांधी से तालमेल बिठाना पड़ेगा वो अंकल को पता भी नहीं है व्हाट इज